दुनिया की 5 सबसे खतरनाक हवाई जहाज की लैंडिंग। नंबर 5, हडसन नदी में की गई प्लेन लैंडिंग। प्लेन का सफर हर किसी के लिए एक अलग अनुभव ले आता है, किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा। कल्पना करो कि आप किसी प्लेन से किसी जगह जा रहे हो। प्लेन उड़ान भरने के कुछ समय बाद पता चलता है कि प्लेन के इंजन में आग लग गई है। आप क्या करोगे? ये एक ऐसी ही सच्ची घटना है जिसका कोई इंसान कल्पना भी नहीं करना चाहेगा, पर यही कल्पना न्यूयॉर्क सिएटल फ्लाइट के प्रवासियों के लिए सच्चाई बनकर सामने आई। एयरबस A320 ये प्लेन उड़ान भरने के चंद मिनटों में पंछियों से टकरा गया। ये पंछी इंजन से टकराकर जल रहे थे। लोगों को जल्द ही पता चला कि इंजन में आग लग गई है। पायलट को पता चला कि जल्द से जल्द प्लेन को नीचे न उतारा गया तो सारे प्रवासी मारे जाएंगे। वापस लौट जाने के लिए इतना समय भी उनके पास नहीं बचा था, इसीलिए पायलट्स ने विमान पास के हडसन नदी में उतारने का फैसला लिया। प्लेन मुश्किल से पानी में सेफ लैंडिंग कर सका और उन्हें लाइफगार्ड्स ने बचा लिया। बेहद ही साहसी इस निर्णय ने आखिरकार 6 क्रू मेंबर्स और 150 प्रवासियों की जान बचा ली। नंबर 4, ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। हम सबको पता है कि प्लेन की मदार पायलट्स के ऊपर होती है, इसीलिए कठिन समय में वो पायलट्स ही होते हैं जो हीरो बनकर सामने आते हैं। एक यूक्रेनियन पायलट जो कि तुर्किस कंपनी का जहाज उड़ा रहे थे, उन्होंने टूटे हुए कॉकपिट और कांच से लगभग कुछ ना दिखाई देने वाले हालात में प्लेन लैंड करके दिखाया था। नाजुक हालात से जूझते हुए प्लेन में मौजूद 120 प्रवासी और 6 क्रू मेंबर्स की जान पायलट द्वारा सफलतापूर्वक बचा ली गई। इस सेफ लैंडिंग के हीरो थे पायलट अलेक्जेंडर ओकोपो। प्लेन जब जमीन से करीब 1220 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, तब खराब वातावरण की वजह से सामने की कांच की खिड़कियां और कॉकपिट टूट गया। कांच में क्रैक की वजह से पायलट्स कुछ भी देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए पायलट ने वापस लौटने का निर्णय ले लिया। छोटी छोटी दरारों से अंदाजा लगाते हुए पायलट्स ने प्लेन को सफलता से जमीन पर उतार दिया। नंबर 3, स्मोक क्लाउड। बोइंग 747 ये हवाई जहाज लंदन से लेके ऑकलैंड न्यूजीलैंड इस लंबे सफर पे जा रहा था। इस जर्नी के दौरान ये जहाज 3 स्टॉप्स के अंतराल में न्यूजीलैंड जा रहा था। वो 3 स्टॉप्स थे भारत, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। मलेशिया से टेक ऑफ करने के बाद लोगों को पता चला कि कुछ ना कुछ भयानक होने वाला है, क्योंकि प्लेन के अंदर धुआं दिखाई देने लगा था। पायलट्स को प्लेन के सामने बस अनजान चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा तभी होता है जब हवाई जहाज किसी तूफान से टकरा जाता है, पर दूर दूर तक किसी भी तूफान के नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहे थे। प्लेन के चारों इंजन में आग लग गई थी। पायलट्स ने वापस लौटने का निर्णय ले लिया। मौत का इंतजार कर रहे डरे प्रवासियों के लिए बेहद खुशी की खबर आ गई कि प्लेन का एक इंजन काम कर रहा है, और धीरे धीरे बाकी 3 इंजन भी काम करने शुरू हो गए। आखिरकार ये प्लेन जाकर्ता इंडोनेशिया में सफलतापूर्वक लैंड हो गया। जांच के बाद पता चला कि ज्वालामुखी में हुए उद्रेक की वजह से जो राख हवा में फैली थी उसी का ये परिणाम था। नंबर 2, रूफलेस लैंडिंग। बोइंग 737 या अमेरिकन फ्लाइट जो एलो से लेके होनोलुलु इस 35 मिनट के सफर के लिए जा रही थी, इस छोटी सी जर्नी में प्रवासियों को ऐसे डरा देने वाले एहसास का अनुभव हुआ जो वो फिर कभी भी लेना नहीं चाहेंगे। फ्लाइट के टेक ऑफ के 23वें मिनट प्लेन 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हवा का दबाव कम होने की वजह से कुछ प्रवासियों के सर के ऊपर से छत उड़ गई। सर के ऊपर छत ही नहीं है, तथा भरी ठंड में तेज हवाओं का सामना करना पड़ रहा ये देख लोग बुरी तरह से घबरा गए। इससे बुरी बात ये थी कि प्लेन के 2 इंजन में से 1 इंजन बंद हो गया। प्लेन 3000 के मीटर के अंतर पर पहुंचते पहुंचते पैसेंजर्स को 310 मील पर आवर की गति से बहती हवा का सामना करना पड़ रहा था। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आखिरकार ये प्लेन अपने क्रू मेंबर्स और सारे प्रवासियों के साथ पूरी सफलता के साथ लैंड करने में सफल हो गया। इस एक्सीडेंट को इतिहास के सबसे खराब प्लेन एक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। नंबर 1, लैंडिंग ऑन बीच। बीच एक ऐसी जगह है जहां आप अपना खाली समय बिताने जाते हो। सनबाथ लेना, पानी में लहरों के साथ मजे करना, ठंडी हवा का एहसास लेना, इन चीजों के सिवाय सबसे अजीब आप बीच पे क्या इमेजिन कर सकते हो? कैरिबियन सेंट मार्टिन आइलैंड के माहो बीच पे वक्त गुजारने वाले सैलानियों को इन सब के सिवाय और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। इस बीच के बिल्कुल सामने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पे लैंड होने वाले प्लेन इस बीच से 10 मीटर की ऊंचाई से होकर गुजरते हैं। जेट इंजन से निकलने वाली हवा बेहद तेज गति से निकलती है। एयरपोर्ट अधिकारियों से मिली चेतावनी के बावजूद इस तेज बहती हवा से लोग रोमांच लेने का मौका नहीं छोड़ते। यहाँ लैंड होने वाले प्लेन की हर लैंडिंग लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक होती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।